हाय, मैं हूँ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आज का दिन 24 सितंबर 2019 और इस वक्त मैं इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में हूँ और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप में से पार्टिसिपेंट्स 1 सितंबर को आए थे दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट्स को अटेंड करने। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में आपने बहुत सारे सवाल सबमिट किए थे, तो उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब मैं दे चुका था और कुछ सवालों के जवाब लेके इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। और जो सवाल है, दिनेश घिनोरिया, आपका सवाल है, हाई ब्लड शुगर इवन आफ्टर डीआईपी डाइट, व्हाट टू डू। हाँ, डीआईपी डाइट के बावजूद भी अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, तो आपको साथ में ऑटोफेजी यूज़ करना है और साथ में आपको स्मार्ट SMART स्मार्ट के का जिक्र मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया था, स्मार्ट एक्सरसाइजेस, उसको यूज़ करना है। ये दोनों को यूज़ करने से मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गया। मतलब अगर वो 70 यूनिट इंसुलिन लेते थे तो 60 यूनिट इंसुलिन तो हट गया डीआईपी डाइट लेने के साथ साथ, लेकिन फिर भी 10 यूनिट लेना ही पड़ता है। तो उनको फिर और स्ट्रैटेजीज़ जैसे ऑटोफेजी या मैंने बताया स्मार्ट, ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अगला सवाल है विश्वजीत खाईवाल, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर विद लो ब्लड प्रेशर, व्हाट टू डू। लो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू हाई ब्लड प्रेशर। तो करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, याद रखिए, नॉर्मली बहुत लो ब्लड प्रेशर तभी हो सकता है जब आप दवाइयों पे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे। सो किसी भी तरह से आपको इससे पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने का तरीका यह है कि इफ़ यू कैन बी ऑन डीआईपी डाइट फॉर सम टाइम्स, आई हैव सीन देन योर ब्लड प्रेशर कम बैक टू नॉर्मल एंड यू नीड नॉट टू टेक द ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। अगला सवाल है शिखा दास, वेदर विटामिन्स और सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डायबिटीज पेशेंट व्हेन ऑन डीआईपी डाइट। सर्टनली नॉट, इनफैक्ट विटामिन एंड सप्लीमेंट्स कॉजेज हार्म। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि चाहे आपको विटामिन की डेफिशिएंसी भी है तब भी विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए डीआईपी डाइट ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है नीरज मिश्रा के लिए, इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट ऑन डीआईपी डाइट कैन ही फॉलो आरएफजे। या नीरज जी, आरएफजे जो है वो ज़्यादा टेम्प्ररी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है, और अगर आरएफजे को कुछ महीने करेंगे तो शायद काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्म परमानेंटली कंट्रोल में आ जाए। लेकिन मेरी सलाह यह है कि यू हैव टू बी ऑन डीआईपी डाइट एंड दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। अच्छा, आप में से वो व्यूअर्स जिन्होंने 1 सितंबर अटेंड नहीं किया था या 1 सितंबर में आके मेरा लेक्चर नहीं या फिर उसका वीडियो नहीं देखा, तो मेरा सजेशन ये है कि फर्स्ट यू गो टू द माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और मेरा जो वीडियो है फ्रॉम पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट, पहले उस वीडियो को देखें और तभी ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप समझ पाएंगे या इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओम प्रकाश मौर्य, या क्वेश्चन इज़ डीआईपी डाइट इफेक्टिव इन ईयर एंड स्किन प्रॉब्लम, व्हाट अबाउट केमिकल इन द फूड। डीआईपी डाइट ईयर और स्किन प्रॉब्लम में इफेक्टिव है, लेकिन स्किन प्रॉब्लम में मैंने देखा 8 महीने से 12 महीने लग जाते हैं और ENT में करीब 3 से 4 महीने लगते हैं। एंड केमिकल के बारे में इसका जवाब मैंने पिछले वीडियोस में दे दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। खेमचंद सैनी, योर क्वेश्चन इज ही हैज़ वैक्सीनेशन डन फॉर हिज बेबी, नाउ वांट्स हेल्प, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ बेबीज फॉर डीआईपी डाइट। जो तो वैक्सीनेशन कुछ करा ही लिया है तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आगे से वैक्सीनेशन ना कराएं, कोई भी वैक्सीनेशन ना कराएं, दैट इज़ वन लाइन आंसर। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, मेरे वैक्सीनेशन पे कुछ वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। अब मिनिमम एज डीआईपी डाइट की तब है जब से बच्चा सॉलिड खाने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स, जब तक तो मदर्स मिल्क पे वो तो है ही, उसके बाद 2.5 साल की उम्र में यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट इज मोस्टली ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, नट्स, नट शेक्स, ऑल दिस, माइनस डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड एंड माइनस रिफाइंड फूड। तर्ज से मीलाल, आपका सवाल है क्योर अबाउट नी पेन। नी पेन के क्योर के लिए देर आर 3 स्टेप्स, स्टेप 1 बी ऑन डीआईपी डाइट, स्टेप 2 हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करना यानी कि 2 तरह के टॉवल रखने हैं, एक ठंडा पानी में, बहुत ठंडे पानी में, एक बहुत गर्म पानी में,
और उनको बारी बारी से शफल करते हुए आपको करीब 15 मिनट तक जहाँ पे दर्द है वहाँ पे आपको एक के बाद एक रखते जाना है। दैट इज़ कॉल्ड हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑफकोर्स रेस्ट। आपके नी को रेस्ट की ज़रूरत है। जब रेस्ट होता है दैट इज़ द टाइम व्हेन इट रिकवर्स व्हेन इट क्योर्स। सो पेन के बावजूद भी नहीं चलना है, पेन अगर है तो वहीं बैठ जाना है। एटलीस्ट 3 से 4 महीना अगर आप अपने मूवमेंट को थोड़ा लिमिट करें, रिस्ट्रिक्ट करें, तो चांसेस है कि हील जल्दी हो जाएगा। खेमचंद सैनी, चलो इनका तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है एनडी लहारी, योर क्वेश्चन इज व्हेन टू रिकमेंड इकोस्प्रिन टू दोज फॉलोइंग डीआईपी डाइट, इन दैट केस व्हाई नॉट एज पर एचआईबी। या हॉस्पिटल इन बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि नेचुरली हम घर के किचन इंग्रेडिएंट से कैसे एस्पिरिन बनाएं, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि एस्पिरिन को किसी को भी लेना चाहिए। आपको जान के शॉकिंग लगेगा कि दुनिया में अमंग ऑल द मेडिसिन, द मेडिसिन विद द मोस्ट साइड इफेक्ट एंड मेडिसिन विच हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर मेडिसिन, दैट इज़ एस्पिरिन। सो एस्पिरिन की ज़रूरत ह्यूमैनिटी में किसी को भी नहीं है। लेकिन हाँ, FDA के अनुसार, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है, ओनली देन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू मे नीड अ स्मॉलेस्ट डोज विच इज़ कॉल्ड बेबी एस्पिरिन। कुछ जगह पे 75 mg इज़ अ बेबी एस्पिरिन, कुछ देशों में 81 mg इज़ बेबी एस्पिरिन। सो अनिल कुमार, योर क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिड्यूस मेडिसिन फॉर एनी गिवन ट्रीटमेंट। अनिल कुमार जी, मैंने अपने 1 सितंबर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि पोलियो ड्रॉप्स इंसुलिन शॉट में, डायबिटीज चेस गेम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दिया था कि कैसे इंसुलिन को, डायबिटीज मेडिसिन को टेपर किया जा सकता है। लेकिन सिमिलरली बाकी मेडिसिन को टेपर करने के जो टेक्निक्स हैं, कभी ना कभी इन द न्यू फ्यूचर आई टेक अप दोज टॉपिक्स एज वेल। तपन चक्रवर्ती, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्योर फॉर कैंसर एंड किडनी फेलियर एंड गॉल ब्लैडर ट्यूमर। ये कई सारे क्वेश्चन तपन जी आपने पूछ लिए एक साथ। आप गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइंड ए वीडियो ऑन मैथमेटिक्स ऑफ कैंसर क्योर, और उसमें कैंसर का क्योर आपको मिल जाएगा। किडनी फेलियर पे वीडियो जल्द आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर में अगर किडनी फेलियर को मैं एक्सप्लेन करने लगूँ, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मीनवाइल इफ़ अ पेशेंट इज ऑन किडनी फेलियर और डायलिसिस, देन द पेशेंट नीड टू फॉलो DIP डाइट बी टाइप फॉर 9 months टू रिकवर फ्रॉम किडनी फेलियर। डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करता जाएगा। क्रिएटिनिन लेवल भी कम होगा, GFR बढ़ता रहेगा। सो ऑल दिस इफेक्ट यू कैन सी इन द पेशेंट। उसका अगर कहीं स्वेलिंग है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो एक्सेसिवली ज़्यादा था वो कम होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर का मेडिसिन भी टेपर करना पड़ेगा। ऑल दिस इफेक्ट यू कैन सी इफ़ यू कैन पुट द पेशेंट ऑन DIP डाइट बी टाइप। अनिल कुमार रावत, योर क्वेश्चन इज आफ्टर टेकिंग द DIP डाइट कोल्ड एंड स्नीजिंग अकर्ड, वॉट टू डू। अनिल कुमार, इनफैक्ट ऐसे पेशेंट जिनको कोल्ड होता है या स्नीजिंग होती है या कफ होता है, उनको हम बोलते हैं DIP डाइट लेने को। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 फॉर 3 days बिकम्स द डाइट फॉर कोल्ड एंड कफ। शैलेश श्रीवास्तव, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइफस्टाइल वन शुड अडॉप्ट टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी। शैलेश जी, इफ़ यू कैन फॉलो द DIP डाइट, सिंपल स्टैंडर्ड DIP डाइट परमानेंटली, that is equivalent to preventing for any future illness. Om Prakash Singh, appropriate time for sprouts and nuts. Sprouts and nuts you can have like a snacks in between breakfast and lunch, in between lunch and dinner. Is dauran mein snacks ki tarah use kar sakte hain. Means you can take sprouts and nuts along with you, and whenever you have chance you can eat it. Roshan Lal Jain, your question is after taking DIP diet medication for sugar and BP became nil, but after 1 year it started again, what to do? Roshan Lal Jain, there are several mechanisms which is working in the body which controls the blood pressure and the blood sugar. For many of the mechanism it is a DIP diet which can help in controlling the blood sugar and blood pressure, but there may be some more mechanism. For example, if you are in extreme stress, number 2, if you don't have sleep, proper sleep, these are 2 conditions. Or number 3, if you have severe infection in the body, in these cases only, in spite of taking DIP diet, your blood sugar and blood pressure may shoot. So if these are any of these conditions, then there has to be a separate diet plan. What can be the separate diet plan? Again, the questions are, the answer is
so long that I will not accommodate in this question and answer round, but you may contact me separately, or some of the videos are there in my YouTube channel which will answer this question appropriately. The next question is Dr. Chaturanand Das. Dr. Chaturanand Das, your question is, why some doctor prescribe metformin to pregnant ladies? Should not prescribe, very dangerous. Kisne Paxla, your question is, plant food also increases triglyceride, it is said, shall we take it? No, it do not increase anything unusually. You see, in your body we need everything, including triglyceride, to a certain level, so don't worry about it. Rajat Pathak, your question is, LDL and cholesterol high, vitamin D, C low, numbness in hand, is it a symptom of sugar? It is not a symptom of sugar, it is a metabolic syndrome, you can say, but yes, I suggest you to be on DAP diet for about 3 months to see a great amount of result. 3 months to recover from it, but follow it for rest of life. And those who do not know what is DAP diet, go to my YouTube channel and find appropriate video. One of the video is advanced training on medical nutrition part 1. In that I have given details about DAP diet. Suresh Singh, your question is, on DIP diet after heart attack, no medicine except B-plut CV, which I want to leave. EVF is 25%. Suresh ji, you have to be on DIP diet C-type for 1 month, followed by DIP diet B-type for one more month, and finally on DIP diet standard for rest of your life. You can do it, then it should take about 2 to 3 months to recover from it. The next question is from Nitesh Ghosal. Your question is, want to read drops leading to new book. Do oral injection of vitamin or other supplement work for elimination? And third is cure for virus. Cure for virus, for that in the training program on 1st September, I have distributed immunization card. And follow that immunization card and you will get the cure for virus. Oral injection is even more dangerous. Any kind of injection are more dangerous than oral medication. Do injection more dangerous? Okay. If you want to read my book, The Drops That Crippled the Nation, this book is not yet out. Ye book aane wali hai. Let the book come. The next question is from Sanjay Shah. Fever did not go within 3 days after following the diet. Sanjay, aisa hota hai 5% case mein, aur aisa hone ka matlab hai ki body mein there is something severe happening. For example, agar koi ASD ka patient hai, heart ka, hole ka patient hai, to unme fever aata to wo jata hi nahi hai. Cancer ka patient hai to fever lamba chalta hai, phir is method se jata nahi hai. To unke liye phir different methods hain, which you can contact and send your medical report. I'll go through it in detail. And the next participant, Harish Kumar, should we take organic food only? Harish, if you are lucky, if you can get organic food, you must take it. Arun Kumar Goswami, suggest customized diet for diabetic plus tuberculosis patient. Yeah, for diabetes patient, simply DIP diet is okay. For tuberculosis patient, DIP type diet C type for 3 days, followed by DIP diet B type for 1 week, followed by DIP diet C type for another 1 week, and then finally DIP diet standard. It may take about 3 weeks time to get rid of tuberculosis with this kind of strategy. Rahul Sharma, your question is, how can people work in night shift with have a DIP diet? Rahul Sharma, working in night shift permanently in your life is having a hazardous result. So my suggestion is, don't work in night shift. Of course, if you are working in night shift, then I do not know when you will have breakfast, lunch and dinner. But the very simple protocol is, if whether you are having a night shift or day shift, the choice of food, which I tell in DIP diet, that should remain the same. That should not change. Nisha Gupta Chandravati, is DIP diet for arthritis, back ache, low back pain and PCOD, etc.?
It is for all kind of lifestyle disease. Diabetes is not for just one disease like diabetes and blood pressure. In your body, there may be many kind of imbalance, many kind of homeostasis imbalance or disturbance. When you take diabetes, it takes the nutrition to the right place and the balance happens again. The homeostasis comes to its own place and as a result, you start seeing the results. Kailash Chalnulu, your question is, can we take supplement like wheat, grapes, etc. need memory training for my kids. Kailash, you need to contact me for memory training. However, I have stopped memory training. It had been about 10 years. I have stopped it. But you can read some good books which I have written on memory. One of the good book is Memory, Mind and Body. One of the good book is Dynamic Memory Method. Even my wife wrote a wonderful book that is Smarter Memory, published by Rupa Publication, that you can read and you will get a lot of good techniques by reading the book. Supplements is something which I discourage my patients and my audience. Do not take any kind of supplement. Any kind of supplement is harmful for human being. Dr. Meenu, your question is, can we have steamed vegetable in dinner? Can we take a walk daily? You can have steamed vegetable in the dinner, but raw vegetable is more beneficial. But if the teeth is condition not good, you cannot chew, so you can make a paste or you can make a smoothie, you can make a juice or you can steam sometimes. Insaf Hawan, hole in the heart, says the diet. Insan Hawan, hole in the heart, then be on diabetes C type for 3 months and also try to send your medical report to me. Manorama Pathak, DIP diet since 24 years, numbness in diabetic since 24 years, numbness in lower body, fungal infection in the right ear. Manorama, the first thing is start DIP diet right now and then you send your medical report. It seems that you need a more closer supervision. Prashant Tomar, your question is how to increase eyesight and get rid of skin disease. For eyesight, Prashant, you go to my YouTube channel, Dr. Bishwarup Rachaudhary, and find a video called Better Eyesight Without the Glasses. In that video, I gave neck, shoulder and eye rotation exercise. Do the exercise 15 minutes every day and that will help you to cure the eye disease. And for skin disease, along with DIP diet, decide to be under sunlight for about 1 hour every day. So together it will help you to cure the skin disease. But as far as skin disease is concerned, remember that to get an appreciable result, you have to have a patience of about 9 months. It takes 9 months to 12 months for skin disease to see some effect with DIP diet. Haldar Patel, cure for genetic diabetes. Haldar Patel, when you say genetic diabetes, what do you mean? You have to make it clear. Do you mean diabetes type 1? Right. If at a diabetes type 1, this means insulin dependent patient. For diabetes type 1, insulin dependent patient, beside following the DIP diet, I strongly advise them that you send your medical report to me. Let me see it and let you do the diet under my supervision, because you may not be knowing how to taper the drugs. Of course, if you have understood the diabetes chess game, if you already have the diabetes chess game with you, then you can do the tapering on your own and then you can handle the case on your own. Ravindra Kumar, Ashutosh Kumar, Colonel Satish Mehta, your question is cure for kidney failure and tuberculosis. Yeah, this question I have already answered, so I'll go ahead. Sunil Mishra, what is DIP diet? Sunil, by now you already heard that about DIP diet, which you can watch in my some of the YouTube channel videos and learn about it. Prashant Kumar, your question is sugar normal, should I start chess game? Prashant, yeah, that is a wonderful way to control the blood sugar with the chess game. Agla sawal hai Pushpa Verma ka. Pushpa Verma, can we leave medicine with HbA1c 8.4? Pushpa, HbA1c 8.4 से नीचे है तो ऑफ कोर्स मेडिसिन छोड़ना है, लेकिन मेडिसिन छोड़ने के बाद अगर 8.4 से ऊपर चला गया तो थोड़े टाइम के लिए मेडिसिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद डी आई पी डाइट. कौन सा वाला डी आई पी डाइट? इट डिपेंड्स ऑन द डायबिटीज चेस गेम, राइट? सो दिस मीन्स यू हैव टू मैनिपुलेट बिटवीन द मेडिसिन एंड द डी आई पी डाइट एंड इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू हाउ
high may be the blood sugar to bring it to normal, 3 days to 3 months. Subhash Chandra, your question is, can salad of plate 1 be replaced by fruits? Subhash, sometime you can deviate from this, sometime you can replace with fruits, but you have to understand fruits are having their own benefit and vegetables are having their own benefit. Once in a week you can do this deviation, but otherwise stick to vegetable before the lunch and dinner and let it be the fruit breakfast till 12 noon. Aur iske saath मैं इस एपिसोड को यहीं पे विराम दे रहा हूँ. कुछ सवाल और बाकी है, जब भी मुझे समय मिलेगा आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि किस दिन इन पर्सन आपसे मुलाकात होगी. ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद.